बेअदबी नूं लै के पटियाला होया बंद। हिंदू जत्थेबंदियां ने कीता वड्डा ऐलान। देखो की है पूरी खबर। बीते दिनी पटियाला दे विच प्रसिद्ध काली देवी मंदिर दे विच बेअदबी होई सी, जिथे एक व्यक्ति बंगला टप के माता जी की मूर्ति नाल लिप्त जांदा है, जिसनूं लोकां वल्लों परा कीता जांदा है। इस घटना नूं लैके हिंदू जत्थेबंदियां दे विच खासा रोस पाया गया। लेकिन इसी विचारे हुण एक अहम खबर सामने आ रही है कि हिंदू जत्थेबंदियां ने पटियाला बंद करन दा ऐलान कर दिता। उत्थे हिंदू जत्थेबंदियां वल्लों पटियाला दे अलग अलग बाजारां दे विच रैली दा आयोजन भी कीता गया। उन्होंने कहा कि भावे पटियाला पुलिस वल्लों दोषी खिलाफ मामला तां दर्ज कर लिया, पर प्रशासन नूं उन्हां दीआं मंगां वल भी ध्यान देना चाहीदा है। कल जो काली माता मंदिर दे विच इक घटना हुई है, बड़ी अपमानजनक घटना जिहड़ी काली माता मंदिर च हुई है, उसके खिलाफ पूरे पटियाले का हिंदू समाज जिहड़ा है बहुत ज़्यादा रोष च है। असी प्रशासन नूं अज सवेरे 10 बजे तक का टाइम दिता होया सीगा कि भाई प्रशासन सानू उसकी इन्वेस्टिगेशन नाल पूरा जो दसना है वह दसे, सानू जवाब दे। और सारे शहर दियां धार्मिक राजनीतिक जथेबंदियां जिहड़ियां उरे पहुंचियां होईयां ने, हुण सानू प्रशासन के जवाब का इंतजार है। असी कुछ देर प्रशासन का इंतजार करांगे, उस तो बाद जे सानू प्रशासन के जवाब तो तसली नहीं होंदी तां जो भी सर्वसम्मति नाल फैसला होएगा उस ते एक्शन लिता जाएगा। मामला FIR नंबर 10 दर्ज हो चुकी है, जहाँ जिथे तक सानू प्रशासन ने दस्सिया, लेकिन असी उस तो संतुष्ट नहीं है। साने 3 रिमांडा कल प्रशासन को रखिया सी कि DC समंदर का चेयरमैन है, बिल्कुल जिम्मेवारी लेके उन्हें इस्तीफा दे देना चाहिए। नंबर 2, इतने एक 72 साल का बूढ़ा जिहड़ा है मैनेजर रख्या होया सिफारसा के तौर पर, सिफारसी तौर पर उन्होंने बर्खास्त किया जाना चाहिए। तीजी डिमांड साड़ी ऐसी भी इतने जी सिक्योरिटी है 3 सालों तो रिश्वत दे के ही सिक्योरिटी रिपीट की जा रही है, ये सिक्योरिटी विड्रोल होनी चाहिए, नवी सिक्योरिटी मौका मिलना चाहिए। ये 3 डिमांडा अजे तक साढ़े को प्रशासन का कोई जवाब नहीं आया, कोई उत्तर नहीं आया। हूँ SPCD साहब नाल साड़ी गल हुई है, उन्होंने कहा कि प्रशासनिक अधिकारी थोड़ी देर में इतने आ रहे हैं, इस करके असं रुके हुए हैं, उस तो बाद असं अपना एक्शन प्लान जो भी हो। ਉਥੇ ਮਹਾਰਾਣੀ ਪਰਨੀਤ ਕੌਰ ਨੇ ਇਸ ਘਟਨਾ ਦੀ ਨਿੰਦਿਆ ਕਰਦਿਆਂ ਕੀ ਕਿਹਾ, ਜ਼ਰਾ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਸੁਣੋ। ਦੇਖੋ ਇਹ ਕੋਈ ਸ਼ਰਾਰਤੀ ਅੰਸਲ ਦੀ ਲੱਗ ਰਹੀ ਹੈ, ਜਾਂਚ ਪੂਰੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਜਿਹੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਘਟਨਾਵਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ ਇਹ ਬਹੁਤ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਨਿੰਦਾ, ਸਖਤ ਨਿੰਦਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਇੱਕ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨ ਸਭ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ ਉੱਠ ਕੇ ਸਭ ਦੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਪੂਜਨੀਏ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਔਰ मैं प्रशासन नू, CM चन्नी नू जरूर यह कहना चाहती हाँ कि ये हुण फिर एक रवायती शुरू हो गई बेअदबियां दी, इस दे उत्ते पूरा कंट्रोल रखन। और असी अपने जो बॉर्डर स्टेट है पंजाब, इस दा जो वातावरण है इस नू असी खराब नहीं होन देना, इस दे उत्ते हर एक चीज़ तो उपर उठ के इस दे उत्ते कंट्रोल करन। इस मौके मेयर ने कहा कि बहुत ही मंदभागी घटना है, कानून के हिसाब के नाल सख्त तो सख्त कार्रवाई होनी चाहिए है। मंदिर मत्था टेकन आए हैं तो माता दे दरबार दे विच रूटीन च असीं आने हैं, तो जिहड़ा अज एक घटना हुई है बड़ी मंदभागी घटना हुई है, जो कानून के तहत सख्त तो सख्त कार्रवाई है वह होनी चाहिए है। जो कानून की कार्रवाई है जी, कानून के कानून में पता कि कार्रवाई सख्त तो सख्त होनी चाहिए है, ताकि अगे। हाँ जी, देखो जी, इलेक्शन असी इलेक्शन लड़ रहे हैं, जो ये असी इस गल के उपर कोई भी गल बोलनी मुनासिब नहीं, कानून तो उपर कोई नहीं है, तो कानून के तहत जो सख्त कार्रवाई है होनी चाहिए। पटियाला तो बलजीत सरना की रिपोर्ट। संतान प्राप्ति, कारोबार विच काटा, विदेश यात्रा विच देरी, पति पत्नी विच कलेश, पढ़ाई विच मन ना लगना, प्रेम व्यास सिरे ना चढ़ना, कोर्ट कचहरियां दे चक्करां दी परेशानी तो मुक्ति ले पहुंचो मियां बशीर खान जी कोल। एक बार फोन जरूर करो, तुहाडा एक फोन बदल सकदा है तुहाडी जिंदगी। प्यार विच धोखा खाण वाले प्रेमी प्रेमिका भी एक बार जरूर संपर्क करन। हुण सुपने देखना छड्डो, ये सब मुसीबतां जां ख्वाहिशां नूं पूरा करन लई चुको कदम। फोन नंबर 9915043150।